जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज फिर से हम आ गए हैं एक न्यू एस्ट्रोलॉजी वीडियो लेके। क्या लेकर आए हैं, बने रहिए इस वीडियो में, पता चल जाए। जैसे हम सबको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है। सो सब लोग गणपति बप्पा जी को बहुत ज़ोरों शोरों से, बड़े प्यार से, बहुत ज़्यादा खुशी से अपने घर पर लेकर आते हैं। तो उसकी विधि क्या है, किस तरह हमें लाना चाहिए, कितने दिन के लिए लाना चाहिए और कब हमें बप्पा जी को विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि तो विसर्जन की बात तो हमें अभी इस वीडियो में करने नहीं वाली, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के दूंगी। अभी हम बात करेंगे कि गणपति बप्पा जी को हमने लेकर आना है अपने घर, उसकी क्या विधि रहती है, कब लेकर आना है। और रही बात गणपति बप्पा जी को अपने घर में रखना है, वो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन के लिए रखें, दो दिन के लिए रखें, तीन दिन के लिए रखें, या आप 10 दिन के लिए पूरा दिन भी रख सकते हैं, पूरा टाइम भी रख सकते हैं। पहले आ जाता है कि हम गणपति बप्पा जी को अपने पास लेकर आ रहे हैं तो कब लेकर आए। तो हम सबको पता है गणपति जी कब आ रहे हैं, 7 सितंबर को आपने गणपति जी की स्थापना अपने घर पे करनी है। तो वो कैसे करनी है, उसकी पूरी विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी और गणपति बप्पा जी को वेरी 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 हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड। गेस्ट जो ये मेरी वीडियो भी देख रहे हैं उनकी साइड से भी गणपति बप्पा जी को हैप्पी हैप्पी बर्थडे। सो प्लीज़ आप ये पूरी वीडियो देखें, बिकॉज आप गणेश चतुर्थी का शुभ लाभ ना उठा पाए तो किसका शुभ लाभ उठा पाएंगे, बिकॉज यही एक पूरे तरीके से चेंज कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, क्या इसकी विधि रहती है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। देखिए पहले तो आ जाता है कि 7 सितंबर को गणपति जी है, तो गणपति जी को आप लेकर आएंगे 5 या 6 तारीख को, तो प्लीज़ उनको पूरे अच्छे तरीके से ढक के रखना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी प्लेस कर दिया गणपति जी को, साफ़ सुथरी जगह बिल्कुल ढक के, उनका फेस कोई ना देख पाए, बिकॉज पूजन के दौरान ही उनका फेस देखा जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो उसको एक अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह आप रख दीजिए। फिर आपने क्या करना है, 7 सितंबर को नहा धो के आपने एक पीड़ा लेना है, पीड़े पे आपने साफ कपड़ा बिछाना है जो आप नया खरीद के लाए हो, एक बार उसको धो लीजिए। उसके ऊपर आपने रेड या पीले कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। फिर एक आपने गणपति जी को वहाँ पे रखना है। फिर आपको वहाँ पे कलश भी रखना है, कलश जैसे हमारा यूजुअली होता है चावल रखने हैं, आपने चावल के ऊपर कलश आएगा, कलश में आपने गंगा जल भी डालना है, पानी भी डालना है और साथ में पीपल का पत्ते भी आएंगे, और प्लीज़ उसके ऊपर नारियल रखना बिल्कुल ना भूले। फिर और साथ में आपने फिर उसके बाद उनको स्नान कराना है, हमारे गणपति बप्पा जी को एंड साथ में रिद्धि सिद्धि माता जी को। तो वो आप एक गंगा जल ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें वाटर डालिए और उसमें फ्लावर डिप करके गणपति जी को स्नान करवाइए, साथ में रिद्धि सिद्धि माता जी को भी आप स्नान कराएंगे। हमने उनको स्नान तो करवा दिया है, बट अब हम उनको वस्त्र कैसे पहनाएंगे, तो वस्त्र के रूप में हम उनको मौली चढ़ाएंगे। पहले गणपति बप्पा जी को मौली, फिर हमारे रिद्धि सिद्धि माताओं को मौली पहनाएंगे। फिर आपने क्या करना है, उनको चावल का उनके इर्द गिर्द ना राइस प्लीज़ डाल दीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। गणपति बप्पा जी के भी राउंड आप एक राइस का पूरा गोल बना सकते हैं और रिद्धि सिद्धि माता की साइड भी ऐसा कर सकते हैं, और गणपति बप्पा जी तो हमारे बीच में आएंगे। तो उनका आसन, उनका पूरा जो श्रृंगार रहेगा, अगर वो फूलों से आप करेंगे तो वो गणपति बप्पा जी तो उससे प्रसन्न होने ही वाले हैं, बट वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ लायक रहेगा। वो क्यों रहेगा, क्योंकि फ्रेश फूल की सुगंध वैसे भी घर पे बहुत पॉजिटिविटी लेकर आती है, और आप गणेश चतुर्थी वाले दिन अगर गणपति बप्पा जी के लिए वो फूल यूज़ करते हैं, और याद रखें जितने भी दिन के लिए आप गणपति जी को लेकर आ रहे हैं, उस दिन वो फ्लावर सुबह उठ के ज़रूर चेंज करिया करें जब भी आप पूजा करते हैं, बिकॉज जितने टाइम अगर आप वो पूजा करेंगे और वो पुराने फूल रहेंगे ना, तो वो फिर एक नेगेटिव वे में वो चीज़ें चली जाएंगी। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप उन टाइम पे या उन दिनों जितना आप फ्लावर्स अपने घर पे लेकर आएंगे, उतना ही आपके लिए वो बहुत शुभ लाभ रहने वाला है। और फिर आ जाती है हमारी बात कि हमको उनका श्रृंगार कैसे करना है। पहले हम श्रृंगार करेंगे उस दीपक का जहाँ पे हम भगवान जी का दिया जलाने वाले हैं। याद रखें घी का दिया जलाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा आपके लिए। पहले हम उसका श्रृंगार करके आपने उस पर तिलक लगाना है, लाल कलर का तिलक आप यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप चावल प्लीज़ यूज़ करिए। दिया जलाने के बाद हम करेंगे अपने गणपति बप्पा जी का श्रृंगार, वो करेंगे हम तिलक से आपने रेड कलर का सिंदूर लेना है, वो आपको गणपति बप्पा जी के माथे पे लगाना है, साथ में राइस और फ्लावर्स लगाना बिल्कुल ना भूलें, साथ में सुपारी ज़रूर रखिए उस दिन, क्योंकि गणपति बप्पा जी को सुपारी बहुत प्रिय थी, तो वो भी आप रखना ना भूलें। उनको
उनके चरणों के पास, क्योंकि वो बहुत महमरिद्धि सिद्धि जो हमारी माता हैं उनको भी टीका लगाएंगे, साथ में चावल चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है भोग की बात। तो भोग में हमें क्या करना है, सबको पता है गणपति पप्पा जी को मोदक तो बहुत पसंद है, मोदक तो सब चढ़ाएंगे गणपति पप्पा जी को। बट उसके साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे हमें क्या ऑथेंटिकली चढ़ाना चाहिए वो आप प्लीज़ नारियल और गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं। ध्यान रखिए जितने भी लोग उस दिन आपके पास आएंगे या जितने टाइम आपने गणपति जी को रखा है, जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मोदक के साथ साथ गुड़ और साथ में नारियल देना बिल्कुल ना भूलें। और ट्राई करें जितने से जितने लोग आपके घर पे आके गणपति जी के दर्शन करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत शुभ वाली बात रहेगी। सो ये तो हमने बात कर ली कि हमें कौन सी चीज़ें जो हैं उस दिन करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए। अब थोड़े डीमेरिट्स पे आ जाते हैं, उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा कोई सा भी दिन ऐसा नहीं होता है। मैं आपको ये बता दूँ कि हम बोलते हैं कि गणपति जी पूजन के लिए कौन सा शुभ टाइम है, किस टाइम पे करना है, ऐसा कुछ नहीं है। गणपति केवल ऐसे देवता हैं जिनको किसी से भी श्राप नहीं लगा है। तो हम इजीली बोल सकते हैं कि अगर हम किसी बुरे टाइम पे भी गणपति जी का पूजन कर रहे हैं ना, तो वो उसको भी बहुत शुभ बना देते हैं। तो गणपति जी के लिए कोई टाइम नहीं है। हमारे गणपति जी का बर्थडे आप फुल डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, धूमधाम से सेलिब्रेट कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। फिर आ जाती है हमारी कि हमें कोई चीज़ें ऐसी क्या नहीं करनी चाहिए जो कि हमारे गणपति वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेंगी। तो वो क्या है, पहले तो देखिए आप गणपति जी को लेकर आते हो अपने घर पे और फिर आप घर पे लॉक लगा के बाहर चले जाते हो, कभी कुछ सामान लेने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, वट एवर यू कैन से कि चाहे बच्चे को लेने जाना है या तो घर से बाहर सब्जी लेने जाना है, कि लेडीज़ जॉब के लिए भी जाती है, तो प्लीज़ ऐसे मत करिए। आपने किसी मेहमान को अपने घर पर बुलाया है तो उस दिन आपने ताला लगा के बिल्कुल भी नहीं जाना है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि गणपति जी का जो पूजन आप करेंगे तो उस दिन एक दिन के लिए करिए, बट ऐसा करिए कि जिस दिन कोई भी वहाँ पे ना जाए, अपने घर से ना जाए, घर पे ताला ना लगे। और कृपा करके जितने दिन के लिए आप गणपति जी को ला रहे हैं वो पूरे एक अखंड ज्योत अगर आप पूरे उतने टाइम के लिए जलाते हैं तो वो आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ वाली बात रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी सुख समृद्धि पूरे साल आने वाले टाइम आपके लिए बनी रहे तो प्लीज़ एक अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं, बिकॉज वो अखंड ज्योत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके परिवार के लिए अगर आप जला सकते हैं तो। और अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो आपको वहीं पर ही सोना है, आपको अपने अपने कमरों में नहीं सोना, आपको वहीं पर ही सोना है। तो मेक श्योर करिए उस दिन अपने कमरे के बजाय गणपति बप्पा जी के पास अपना एक बिस्तरा लगा लीजिए, वहाँ पे आप सो जाइए। फिर आ जाती हैं चीज़ें हमारी कि हमें और क्या चीज़ें उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूँ गणपति वाले दिन या गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें चंद्र भगवान जी के दर्शन नहीं करने, मतलब चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज जब हमारे गणपति जी इस जीवन में आए थे, इन्होंने इस संसार में जन्म लिया था, तो उस टाइम पे जो हमारे चंद्र भगवान जी थे उन्होंने उनको थोड़ा सा टॉन्ट मारा था, मोटा है कैसा है देखने में, तो उस वजह से माँ को तो गुस्सा आएगा ही। तो पार्वती माँ जी ने उनको एक श्राप दिया था कि जिस दिन हम गणेश चतुर्थी लोग मनाएंगे और उस दिन तेरे कोई दर्शन करता है, मतलब चंद्र भगवान जी के कोई दर्शन करता है, तो उसको एक डिफेम डीमेरिट्स लाइफ में डाउन जाना, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो। तो अगर तेरे दर्शन कोई उस टाइम पे रात्रि को कर लेता है तो उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चली हुई उल्टी पड़ जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि उस दिन आपने दर्शन बिल्कुल नहीं करने हैं। और गलती से अगर आप दर्शन कर भी लेते हो चंद्र भगवान जी की तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में जो जो मुझे कमेंट्स आए होंगे उनको मैं रिवर्ट कर दूंगी। अगर मैं रिवर्ट नहीं कर पाई तो आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट कि जिन्होंने भी चंद्र भगवान जी के दर्शन करे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं ताकि उनकी एक काली दृष्टि आपके जीवन में ना पड़े। सो आई विश आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, एंड प्लीज़ अच्छे से गणपति बनाइए और डरिए ना गणपति बनाने से, बिकॉज गणपति पप्पा जी एक ऐसे इकलौते भगवान हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अगर उनके भक्त उनका बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। तो गणपति लेकर आइए, जितने दिन के लिए लेकर आएंगे उतने दिन के लिए लेकर आइए, 10 दिन के लिए लेकर आते हैं तब तक क्या ही बात है, ढोल नगाड़े बजा के गणपति जी का बर्थडे बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम सबको, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।